समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पवन गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन को लेकर उठाए सवालिया निशान लगाते हुए प्रदेश सरकार को व्यापारी विरोधी पार्टी बताया। व्यापार सभा की लखनऊ में मीटिंग से वापस आने पर प्रदेश सचिव पवन गुप्ता यहां मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों से छलावा कर रही है, कोरोना वैक्सीन की कोई प्रमाणिकता नहीं है। यदि प्रमाणिकता है तो भाजपा के लोगों से क्यों नहीं लगवा लेते? पूंजीपति पैसा खर्च करके वैक्सीन लगवा सकता है, लेकिन गरीब आदमी का क्या? वे इस वैक्सीन को कैसे लगवा पाएगा? पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रदेश सचिव ने बताया कि भाजपा झूठ और प्रपंच की पार्टी है। अब तक व्यापारियों को केवल छला गया है, कोरोना काल में व्यापारी आहत हुआ है, व्यापारियों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश सचिव ने बताया कि अब तक वैक्सीन की कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है, ऐसे में वैक्सीन पर कैसे यकीन किया जा सकता है? यदि भाजपा के लोगों को वैक्सीन पर यकीन है तो वे खुद इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा लेते? प्रदेश सचिव ने मौजूदा प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए तमाम सवालिया निशान लगाए। वैक्सीन लगाने को पूरे देश में तैयारी कर ली है और इसका ट्रायल रन भी कल से शुरू हो गया, प्रदेश स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी और पूरे देश में। और समाजवादी पार्टी है कि वो वैक्सीन लगवाने को मना कर रही है, ऐसी परिस्थिति में आपका क्या जवाब होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगाने को मना नहीं किया है, न लगवाने को मना किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए संदेह यह है कि ये वैक्सीन की उपयोगिता और प्रमाणिकता क्या है। जैसे कि दूसरे देशों में वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो पहले वैक्सीन को अपने ऊपर लगा रहे हैं। क्या हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र में बैठे हुए जो दूसरे नेतागण हैं और इनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो इस वैक्सीन को खुद लगाएं और जनता को भरोसे में लें, उसकी प्रमाणिकता जो है प्रमाणित करें? और उसके बाद जैसे कि दूसरे देशों में भी हैं और भारत सरकार से, तो हम ये पूछना चाहते हैं, इन केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि 130 करोड़ जनता की वैक्सीन लगाने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान इन्होंने तैयार किया है? ये गरीबों को किस प्रकार वैक्सीन लगाएंगे और कितने दिनों में हर गरीब को वैक्सीन लगा देंगे? जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यापारी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो इस वैक्सीन के लिए अपने पैसे से भी लगवा लेंगे, हम तो विदेश से मंगवा के भी लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी को बड़ी चिंता ये है कि इस देश के गरीब, किसान, वंचित और जो उपेक्षित लोग हैं, जो वैक्सीन को पैसे से नहीं खरीद सकते, वो कैसे वैक्सीन लगाएंगे? क्योंकि हमें नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए संदेह है, ये भाजपा की सरकार जो कहती है वो नहीं करती है। आज तक ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख किसी ने नहीं देखे, तो इस देश की जनता कैसे इन पर यकीन करे? दूसरा सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये व्यापारियों की हितैषी पार्टी है, व्यापारियों के पक्ष में बोलने वाली पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी व्यापारियों को साथ लेकर चलने की बात कह रही है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठ और प्रपंच की पार्टी है, वो कभी व्यापारियों की पार्टी नहीं रही। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सवाल है, समाजवादी पार्टी जिस विचार को आगे लेकर चल रही है, जिनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वयं एक व्यापारी थे, उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो काम व्यापारियों के लिए समाजवादी सरकार में जो माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने किए थे, वो कोई नहीं कर पाया आज तक। और आज पूरे प्रदेश का व्यापारी अखिलेश यादव की तरफ निगाह उठा कर देख रहा है, उन पर पूरे प्रदेश के व्यापारियों को ये भरोसा है कि अखिलेश यादव जी हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। उन्होंने नोटबंदी के नाम पर व्यापारियों को लूटा, उसके बाद में GST के नाम पर व्यापारियों का शोषण किया, लॉकडाउन ला के व्यापारियों को परेशान किया। ये कहीं व्यापारियों की पार्टी नहीं है। व्यापारियों की अगर सच्ची हितैषी पार्टी है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आपको समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है, ये बहुत बड़ी चुनौती आपको नहीं लगती? इस चुनौती से आप कैसे सामना कर पाएंगे, कैसे व्यापारियों को आप अपने साथ लेकर आएंगे, इसमें क्या कहना? व्यापारी अब जान चुके हैं, व्यापारी अब इनके झूठ और प्रपंच में आने वाले नहीं हैं। व्यापारी समझ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए कौन चल रहा है, महात्मा गांधी जो हमारे पूर्वज थे उनके विचार को कौन आगे बढ़ा रहा है इस देश में और प्रदेश में, और कहाँ व्यापारियों का हित है, व्यापारी जान चुका है। और आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस देश का और प्रदेश का एक एक व्यापारी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी अब तक तमाम आरोप लगाती रही है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमें संदेह है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हमने कहा कि इनकी अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करें,